हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। और ये देखो हमारे बेबी के कपड़े, अभी आपको पूरा रिव्यू कराती हूँ क्या क्या लाए। ऐसे करके कितना अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई थी बेबी के लिए कपड़े और अब आपको दिखाते हैं। कनू ने भी नहीं देखे, कनू स्कूल में थी, है ना कनू? तो दिखाएं, तो अब दिखाते हैं ना, क्योंकि अभी दिन में तो गए थे, तुम नहीं थी ना हमारे साथ शॉपिंग के टाइम। तो अभी हम दिखाते हैं हम क्या सामान लाए भाई बेबी के लिए। तो भाई मैं कनू को ना कपड़े दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई बेबी के लिए। हेलो कनू, हेलो, देखते हैं तुम्हें कपड़े बेबी के। एक्साइटेड हूँ। पहले के बाद मैं आपको कुछ बताऊं कि ना अभी 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 मैंने ये टैग देखा था, गलती से मैंने मैंने कुछ और बोल दिया। दिखाती हूँ भाई कनू के को, दिखाती हूँ। कनू का भी बहुत मन है। पी लिया तुमने पानी? हटाओ इसको, दिखाऊं बेबी के कपड़े। तो भाई सबसे पहले लेके आए हम वनीज, और वनीज जो है बहुत सारे वनीज लाए हैं। एक सेकंड। हाँ पर मैंने बस मुझे ऑर्डर में दिखाया। दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखो, आज हम जैसे गए थे ना, कन्नू को मैं चूज करा रही थी पहले, तो ये कह रही थी ये देखो 3-3 का सेट है। व्हाइट में देखो कैसी लग रही है कन्नू, तुम बताना। बहुत अच्छी लग रही है। कनू रुक जा शैतान, तुम भी तो देखो। अच्छा तुम भी देखो, तुमने भी नहीं देखा ना, ये वाली देखो। इसकी फिंगर भटक गई है। और ये देखो ये कैमिफ्लोज वाला डिजाइन जो है, ये भी देखो। हाँ हाँ और ये देखो एरोप्लेन छपा हुआ है। और ये देखो कनू का फेवरेट, कनू को कुछ और ही पसंद आ रहा है, पहले वही दिखाते हैं। तो भाई ये तो देखो, ये तो हमारा एक सेट है, और ज्यादा बड़े साइज में नहीं लिए ये ना, मैंने न्यू बोर्न लिए है, क्योंकि न्यू बोर्न में ऐसे रहेंगे वनीज वाले, पहनने में बहुत कंफर्टेबल रहेंगे। इनके नीचे जो है बच्चे को पजामे के साथ पहना सकते हैं। और ये देखो हैमले वाला मिला हमें, एक मेरे को हैमले का बड़ा डिजाइन पसंद आता है। देखो एनिमल है, क्यूट क्यूट से बने हुए। तुम्हें कैसा अच्छा लग रहा है? मुझे यही पसंद आया, अब मैं नहीं दूंगी, अब मैं तो पहना करूंगी। और दिखाती हूँ मनीष के, क्योंकि बहुत ज्यादा छोटे हमने साइज लिए। रजनी तो कुछ खाती पीती नहीं है, मेन इशू वही है कि अगर वो प्रॉपर खाए तो बेबी थोड़ा हेल्दी भी होए, तो हमें लगता नहीं कि वो ज्यादा हेल्दी होगा, तो इसीलिए उसके लिए छोटे छोटे साइज लिए हैं। इसमें देखो ये 3 डिजाइन इसके हैं, कितना प्यारा कलर है। और कर्नू तो इनकी फैन हो रखी है, और ये ग्रे कलर तो और भी फैन हो रखी है, ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। और कुछ कपड़े मैंने लिए, और कुछ पूजा ने बोला था, क्योंकि पूजा वहां पे ना रजनी के साथ ही रहती है, तो उसने बोला था कि दीदी मेरी तरफ से भी आप ही ले आना, बाद में इकट्ठे देंगे। तो ये देखो ये वाले सेट जैसे डेली वियर में बच्चा पहनेगा, और ये बेबी शार्क वाला। और हमें उम्मीद पता है क्या है, हमें लग रहा है कि ये बेबी बॉय होगा। अब ये तो पक्का नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, मैं तो चाहती थी कि लड़का हो, लड़की हो। और ये देखो ये कितना डिजाइन है, देखो टोमी वालों का डिजाइन आता है ना जैसे व्हाइट, और उसमें देखो गाइस ये पता नहीं क्या देखो, ये मैं बताती हूँ, ये क्या है, ये नैपी है। देखो अभी रुक जाओ, अभी देखो हम ना तिकोनी नैपी लेके आए, ये मेरे को पसंद आ रखी थी। और अभी अनपैक नहीं कर रहे क्योंकि ना फिर ऐसे ही पैकिंग में या तो मैं वॉश करूंगी, और कैसे बनवाऊंगी। चलो दिखाई देती हूं। और ये सूट कितना प्यारा है बेबी के। ये देखो भाई ये बेबी की कॉटन वाली कैप, क्योंकि थोड़ा सा बेबी को कवर रखते हैं। और उसके देखो सॉक्स कितनी प्यारी लग रही है, शूज का लुक आ रहा है प्रॉपर, है ना। और ये स्वेटर लाए हैं जो बेबी को अभी गर्मियों में होगा, तो गर्मियों में उसको रैप करने के लिए 2 स्वेटर लाए अलग अलग, व्हाइट कलर में है। ज्यादा येलो कलर का हमने इतना कुछ खास प्रॉपर येलो नहीं लिया, क्योंकि कई बार बेबी को पीलिया वगैरह होने का चांस रहता है। और ये देखो ये हमने सोचा था अगर हम बेबी शावर करेंगे तब मतलब लेके जाएंगे, बट बेबी शावर अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेबी बहुत जल्दी हो रहा है अपने टाइम से, तो इसीलिए अब इसको मैं वैसे ही रख लूंगी। और ये छोटे साइज का है तो ये हम पहले लेके जाएंगे। इसमें 2 टी शर्ट के सेट है, 2 वो है उसकी पजामिया, और मिटन है, सॉक्स है, और हैंकी है। और ये कनू का डांस चल रहा है, कौन सा डांस है कनू? तो भाई एक नैपी मैं आपको दिखाऊं लगा के, देखनी है कनू तुम्हें भी नैपी। ये
आपको ना नैपी दिखाते हैं हम, ये एक नैपी की कैसे बंद हो रही है, ये एक तो इस पे ये लगा हुआ है, ठीक देखो आपको भी देखनी है, देखो ये जो इसके ये है ना, जैसे इसको बेबी को बंद करना है, अपना बेबी लेटा आया और एक बटन इसमें जाएगा जो भी साइज हो, और एक इधर से ऐसे, और ये बंद हो जाएगा मतलब प्रॉपरली, जैसे भी आपको बेबी के लिए जो भी साइज आपको परफेक्ट लगे। तो ये देखो, वैसे ये बिब भी बन सकती है, मेरे को नैपी नहीं बिब लग रही है। इसमें ये है कि हाँ एक यहाँ पे बटन पीछे और लग जाएगा, तो उसमें उसके साथ अटैच होके ऐसे बन जाएगा, तो दो 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 टाइप से यूज हो सकता है। तो बताना कैसा लगा आपको सब सामान, और अभी तो ये थोड़ा ही लिया है, बाकी हम पीलिए का सामान बाद में लेंगे बेबी के होने के बाद। और ये उसके लिए थोड़ा सा हॉस्पिटल के लिए लिया है कि भाई अभी बेबी जैसे होने वाला है हमारा, और अचानक से हमें भागना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सामान हम भी ले लेते हैं। कुछ मोसी ले आई थी कपड़े जो है ना, पजामिया वगैरह और बच्चे की शर्ट वगैरह, वो तो लेके मतलब टॉप टाइप में बच्चे की वो लेके आ रखी है मौसी। और पूजा ने बोला था दीदी कुछ मेरे लिए ले आना जो मैं बेबी को दूंगी, और कुछ आप अपना देख लेना जो आपको पसंद हो। तो भाई मैं दोनों के हिसाब का ले आई हूँ, तो बताना भाई कैसा लगा आपको सब सामान। और बस बेबी की अभी की शॉपिंग हमारी यही है, यही सारा सामान है। कहाँ गया वो शूज वाला, देखो ये देखो, ये तो सेट हमारे अलग है, थ्री का सेट, ये हैमली का अलग था, और ये जो है ये अलग सेपरेट वनीज है, और थ्री वनीज यहाँ हमारी ये है। एक इनकी ना थंबनेल के लिए मैं फोटो निकाल दूंगी। और कनु का डांस देखो, कनु क्या कर रही है मस्ती, मटर कश्ती इसको हटा देते हैं, ठीक है। मटर कश्ती खुली सड़क पे पकड़ी तरक भड़क में, और कई कई वीडियो नहीं अपलोड होती चाहिए, वीडियो तो होएगी अपलोड। ये देखो भाई हमारे बेबी के कपड़े, लिटिल रॉक स्टार के, ये कनु का डांस चल रहा है। ये देखो अभी मैंने आप सभी को दिखाया ना, अब थोड़ा क्लोजली लुक दिखा देती हूँ। तो ये देखो, ये ग्रे कलर कितना प्यारा है, और ये ऐसे ही ब्लू वाला है, बियॉन्ड क्यूटनेस, क्योंकि हमारा बेबी बहुत क्यूट होने वाला है। और ये उसकी बिब टाइप के कपड़े हैं, बिब कह लो या फिर नैपीज, एक सेकंड ये ठीक कर लेती हूँ मैं। और ये उसके स्वेडल है, ये देखो ये कितने प्यारे हैं, और तीन कैप है इसमें, और नहीं खनु को सब अपने आप पहनने का मन कर रहा है। और ये उसका सेट था, देखो ये गिफ्ट सेट था, एक फोटो। और भाई जो पूजा ने बोला था ना कपड़े लेने को, तो उसके लिए भी मैंने ले लिए हैं, 11 जोड़े उसने कर रखे हैं और 11 मैंने कर रखे हैं। तो ये तो न्यू बोर्न के ये दो साइजेस हैं बेबी के, ये जैसे रात को बेबी फुल सो जाए ना, जिसमें लेगिंग उसको ना पहनानी पड़े और कुछ भी। तो ये देखो कितने क्यूट लग रहे हैं, ये मार्क्स एंड सस्पेंसर के लिए मैंने, और ये देखो ये भी एक सेट है, इसमें अलग अलग दो हैं, ये भी फुल स्लीव के हैं, और इसमें हुडी भी है, ये भी बहुत प्यारे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में येलो कपड़ा थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो लेकिन वो जब ये है कि हॉस्पिटल से आ जाएगा नॉर्मल रहेगा तब ये वाला हम पहना सकते हैं, और ये भी शायद तभी बाद में, क्योंकि इसमें भी येलो यूज है। और इसमें तीन सेट इसमें है, एक ये वाला लाइनिंग वाला है, एक ये ब्लू एरोप्लेन है, और एक ये नीचे ये वाला। तो ये भाई पूजा की तरफ से हो जाएंगे, और दो उसके मैंने आपको पहले दिखाए थे कि कुछ कपड़े पूजा की तरफ से और कुछ मेरी तरफ से। तो बताना आपको कैसे लगे भाई, और पूजा नहीं थी ना साथ में मेरे, तो इसीलिए मैंने उसके लिए स्पेशल अलग से यूँ ले लिए कि भाई वो यूँ ना फील करे कि मेरे अच्छे नहीं लिए, अपने ज़्यादा बेटर ले लिए। पहनने तो खैर बेबी नहीं है, और बाकी हम पीलिए का अलग देंगे, ये अभी उसके होने के टाइम का है, पीलिए के अलग कपड़े वगैरह मंगवाएंगे। तो बताना अभी कुछ कपड़े मैं वॉश करके रखूँगी आजकल में, और बाकी अब बेबी के होने के बाद देखते हैं, बताना
तो जी बस यही सब सामान अभी हम लेके आए हैं, बाकी हम बेबी के होने के बाद लेके आएंगे और सामान। और आप सभी को मैंने सब कपड़े दिखा दिए हैं बेबी के, क्योंकि बनियान वगैरह सब और तो है वहाँ पे। और यहाँ पे ना मैं जब कपड़े देख रही थी, ले रही थी मतलब, तो उस टाइम पे मेरे मुझे यूँ हो रखा था कि बेबी कब हाथ में आएगा, ऐसे जैसे वनीज वाले सेट है, कितना क्यूट लगेगा बेबी। हम बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं सभी के सब, बच्चे भी, पूजा भी और हम सभी। तो बस अब जल्दी से बस बेबी हेल्दी हो जाए, मतलब सही से हो जाए। रजनी की जो अभी जैसे ड्यू डेट है, वैसे तो वो जुलाई में थी, बट कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको अभी बेबी होना है, तो देखते हैं बस अब जल्दी टाइम आने वाला है।